हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल technobuzz.net में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे Redmi Note 6 Pro के बारे में, जिसके अंदर आज हमने AOSP Extended, जिसे आप AEX ROM भी बोलते हैं, जो कि Android 9.0 Pie के ऊपर बेस्ड है। तो मैं बताऊंगा आपको इसमें कौन कौन से फीचर्स आपको देखने को मिलते हैं, कौन सा कैमरा देखने को मिलता है, क्या इसका लुक है और क्या क्या चीज़ें इसमें काम कर रही हैं। चलिए बिना देरी करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज हमारे पास ये Redmi Note 6 Pro है, इसके अंदर हमने AEX का जो रोम है उसको इंस्टॉल कर रखा है। मैं सेटिंग्स में आपको दिखा देता हूँ कौन सा रोम है, क्या वर्जन है आपको और कौन सा सिक्योरिटी पैच आपको इसके अंदर देखने को मिलता है। तो ये देखिए, ये है AOSP Extended ROM वर्जन 6.2, अनऑफिशियल वर्जन है ये, एंड्रॉइड वर्जन 9 यानी पाई के ऊपर बेस्ड है। और सबसे अच्छी बात है, इसके अंदर जो सिक्योरिटी पैच आपको मिलता है वो आपको 5th of January 2018 का देखने को मिलता है। साथ ही साथ सिस्टम में आपको इसके अंदर जो है जेस्चर सपोर्ट भी मिल जाते हैं, जिसमें जाके आप स्वाइप अप ऑन होम स्क्रीन जेस्चर्स को इनेबल करने के बाद आपको एंड्रॉइड पाई के जेस्चर्स जो है आपके फ़ोन के अंदर मिलते हैं। आप इसको डिसेबल कर देंगे, देन आपको आपके पुराने जो आपके Redmi Note 6 Pro के नेविगेशन बटन से वो आपको देखने को मिलेंगे। बट इस टाइम पे मैं एंड्रॉइड पाई के जेस्चर्स को कंफर्टेबल फील करता हूँ यूज़ करने में, तो मैं उन्हीं को यूज़ करूँगा। लुक आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है, आप इसको पूरा मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसके अंदर एक लाइव वॉलपेपर खुद क्रिएट किया है। अगर आपको जानना है कैसे आप ऐसे फनी एनिमेटेड लाइव वॉलपेपर्स अपने फ़ोन में खुद क्रिएट कर सकते हैं, तो उसका एक वीडियो मैंने ऑलरेडी बना दिया है, जिसको आप देखिए डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप इस पर टैप करेंगे, आपको सेटिंग्स में जाके काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्प्ले, गूगल ऐप, होम स्क्रीन के अंदर आप क्या चेंजेस करना चाहते हैं, आइकन्स में क्या चेंजेस करना चाहते हैं। आप आइकन पैक को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने एक आइकन पैक चेंज करका है। आप आइकन का साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं, जो कि हमने ऑलरेडी कर रखा है। काफ़ी सारी चीज़ें जो आप इसके अंदर कर सकते हैं, ऐप ड्रॉअर में भी जाके आप छोटे मोटे चेंजेस कर सकते हैं। तो एक तरीके से आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं इसके अंदर, होम स्क्रीन के अंदर भी आपको कस्टमाइज करने के लिए, जो कि आपको बाकी बहुत सी कम रोम्स के अंदर देखने को मिलते हैं। क्विक टॉगल पैनल आपको कुछ इस तरीके देखने को मिलता है, आप इसको ट्रांसपेरेंट भी कर सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हमने इसका बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट कर रखा है, डार्क मोड कर रखा है और साथ ही साथ हमने जो इसके एसेंट कलर्स हैं उसको भी चेंज कर रखा है। तो एक तरीके से देखा जाए तो आप फुल्ली थीम को कस्टमाइज कर सकते हैं इस रोम के अंदर। तो आप देख पा रहे हो ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड आपको दिख रहा है, आपको जो हमारा एनिमेशन है पीछे लाइव वॉल पर वो देखने को मिल रहा होगा। तो ये तो हो गया है उसका होम स्क्रीन का लुक। अब बाकी सेटिंग्स के अंदर और भी चीज़ें देख लेते हैं आपको क्या क्या मिलता है। वोल्ट का फीचर इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है, आपको ऊपर वोल्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा। ये देखिए, आपको ऊपर यहाँ पे एक वोल्ट का आइकन देखने को मिल रहा होगा, दैट मीन्स जियो का सिम जो है इसमें ठीक तरीके से काम कर रहा है। मैं आपको एक कॉल करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरीके का लुक आपको डायल का देखने को मिलता है। 198 ये कस्टमर केयर का नंबर है, ये देखिए हमने डायल किया, तो ये देखिए आपको ऊपर ये टाइमर देखने को मिल रहा है कॉलिंग। तो कॉलिंग वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, नेटवर्क में कोई इशू नहीं है, वाईफाई ब्लूटूथ वगैरह जो है सारी चीज़ें जो है ठीक तरीके से काम कर रही हैं। और सबसे अच्छी बात है, काफ़ी सारे रूम्स के अंदर जब भी आपके नोटिफिकेशन बार के जो आपके ऊपर जो नोटिफिकेशन होते हैं वो कई बार कटआउट से बाहर हो जाते हैं, बट इस रूम के अंदर जो है आप इन चीज़ों को एडजस्ट करते हैं अपने मन मुताबिक, इनकी जो पैडिंग वगैरह है उनको ठीक कर सकते हैं। वो मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा कैसे आपको करनी है। तो अब बाकी चीज़ें और देख लेते हैं सेटिंग्स के अंदर। पूरा का पूरा लुक जो है आपको एंड्रॉइड पाई 9.0 का ही देखने को मिलता है, जो कि गूगल पिक्सल्स के फ़ोन के अंदर आप पा सकते हैं। नेटवर्क इंटरनेट में आपके दोनों ड्यूल सिम्स जो है वोल्ट काम कर रहे हैं, कनेक्टेड डिवाइस में सारी चीज़ें काम कर रही हैं, ब्लूटूथ वाईफाई वगैरह जो मैंने चेक कर लिए हैं। एक्सटेंशन में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारे इसके अंदर और भी फीचर्स देखने को मिल जाते हैं, जिसको आप बोल सकते हैं जिसकी एक्सटेंडेड फीचर है, तभी इसका नाम है AOSP Extended। स्टेटस बार में जाएंगे तो स्टेटस बार के आइटम्स क्या क्या आपको चाहिए आप उनको हाइड यहाँ से डिसेबल या इनेबल भी कर सकते हैं। क्लॉक सेटिंग्स में जाके आप AM/PM या डेट शो करना चाहते हैं, उसका स्टाइल वगैरह यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। स्टेटस बार बैटरी सेटिंग में बैटरी स्टाइल आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, कौन सी चाहिए, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, आपको बैटरी परसेंटेज चाहिए, उन सब चीज़ों को यहाँ से इनेबल या डिसेबल करने के सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। बैटरी बार में आप जैसे कलर्स होते हैं उनको आप चेंज कर सकते हैं, जैसे आप चार्जिंग करते हैं तो क्या नोटिफिकेशन कलर होना चाहिए, उन सब चीज़ों को आप यहाँ से मॉडिफाई कर सकते हैं। ट्रैफिक इंडिकेटर्स में आपको ट्रैफिक इंडिकेटर चाहिए कि नहीं चाहिए, उसको इनेबल कर सकते हैं, यहाँ पे ये ऑप्शन भी आपको मिल जाता है। करियर लेवल को चेंज करते हैं, मिसलेनियस में जाएंगे तो आपको जो है काफ़ी सारे ऑप्शन ऐसे मिल जाते हैं, जैसे रोमिंग इंडिकेटर, डाटा डिसेबल आइकन, आपको वोल्ट का आइकन चाहिए कि नहीं चाहिए उसको डिसेबल कर सकते हैं, स्टेटस बार में जैसे सपोर्ट चाहिए कि नहीं, वो सारी चीज़ें। अब जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पैडिंग के बारे में कि आप इनकी पैडिंग को यहाँ से ठीक कर सकते हैं, उसके लिए क्या करना है, आपको यूज फ्रेमवर्क जो वैल्यू है इसको पहले आप डिसेबल कर देंगे। अगर आप इसको इनेबल करेंगे तो उसको चेंज नहीं कर पाएंगे, आप इसको एक बार डिसेबल कर देंगे। डिसेबल करने के बाद जो नीचे की जो है कॉर्नर कंटेंट पैडिंग, देखिए अभी देख पा रहे होंगे अब हमारी जो डेट जो है थोड़ी सी कॉर्नर पर टच हो गई है। अब मैं इसको यहाँ से थोड़ा स्लाइड करूँगा, ये देखिए डेट जो है पैडिंग जो है थोड़ी ठीक हो जाएगी, जिसके वजह से सारे के सारे जो नोटिफिकेशन है एक तरीके से आप उनको ईजिली
जो है मैनेज कर सकते हैं कि उनको पोजीशन जो है उनकी ठीक हो जाए। तो ये ऑप्शन भी आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है, तो ये चीज़ें भी आपको एक्सटेंशन में मिलती है। नोटिफिकेशन पैनल में जाएंगे तो आपको क्यूक सेटिंग्स के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाती हैं, जैसे ब्राइटनेस स्लाइडर का ऑप्शन आपको चाहिए कि नहीं, जैसे ये देख पा रहे हैं कि ऊपर आपको ब्राइटनेस स्लाइडर में देखने को मिलता है। अगर आप उसको डिसेबल कर देते हैं देन आपको ये जो ब्राइटनेस स्लाइडर था ऊपर वो आपको देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर। उसी तरीके से आपको काफ़ी सारी चीज़ें और मिल जाएंगी, जैसे वाइब्रेट ऑन टॉच टच का ऑप्शन मिल जाता है, फोटो वार्निंग्स मिल जाती हैं, एडिट आइकन्स का ऑप्शन मिल जाता है, क्विक पुल डाउन स्मार्ट पुल डाउन का ऑप्शन मिल जाता है। आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को यहाँ से कम ज़्यादा कर सकते हैं, देखिए यहाँ से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर सकते हैं। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ दिख रहा है, आप जितनी ट्रांसपेरेंसी करते जाएंगे उस तरीके से बैकग्राउंड की चीज़ें आपको इसके अंदर देखने को मिल सकती हैं। अगर आप ट्रांसपेरेंसी को इसकी ऑपोसिटी को जो है एक जस्ट अ मोमेंट 100% यानी 200 तक कर देंगे तो आपको जो ट्रांसपेरेंसी है वो खत्म हो जाएगी, फुल डार्क बैकग्राउंड आपको इसमें देखने को मिलता है, बट ट्रांसपेरेंसी के साथ काफ़ी अच्छा लुक आपको देखने को मिलता है। तो नोटिफिकेशन पैनल के अंदर आपको ये चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। उसी तरीके से रीसेंट्स के टैब पर जाएंगे तो आपको रीसेंट UIC के कुछ ऑप्शन मिल जाते हैं इसके अंदर, जिनको आप यहाँ से इनेबल डिसेबल जो करना चाहें कर सकते हैं। लॉक स्क्रीन में आपको क्या क्या चाहिए उसके UI में मॉडिफाई चेंजेस कर सकते हैं, आपको डबल टैप टू अनलॉक स्लीप वगैरह, फिंगरप्रिंट अनलॉक, वेदर वगैरह आपको वहाँ चाहिए कि नहीं चाहिए, मीडिया कवर आर्ट, वो सारी चीज़ों को इनेबल कर सकते हैं। शॉर्टकट्स में आपको क्या चाहिए वो आप यहाँ से इनेबल डिसेबल करते हैं। सिस्टम में जाएंगे तो आपको जनरल ट्विक्स में कुछ छोटे मोटे ट्विक्स मिल जाते हैं, जो थ्री फिंगर जेस्टर्स, आप थ्री फिंगर्स से स्क्रीनशॉट को कैप्चर कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से आप ये छोटे मोटे चीज़ और भी कर सकते हैं, बटन्स को थोड़ा मॉडिफाई कर सकते हैं, पावर मेनू स्क्रीन को, इन सब चीज़ों को यहाँ पे आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसी तरीके से नेविगेशन को मैं थोड़ा बताना भूल गया था आपको, नेविगेशन आपको जेस्टर से मिल जाते हैं। अगर आपको वन प्लस के जेस्टर चाहिए तो आप इसको इनेबल कर देंगे, उसके बाद जो देखिए आपका जो एंड्रॉइड पाई के जो जेस्टर से वो हट जाएंगे, बट आप जो है इस पर वन प्लस के जो जेस्टर्स होते हैं उनको ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो वो ऑप्शन भी आपको उसके अंदर मिल जाता है कि आपको एंड्रॉइड पाई के जेस्टर्स नहीं चाहिए देन आप इसके अंदर अपने जो वन प्लस के जेस्टर्स हैं वो ईजिली यूज़ कर सकते हैं। मोस्टली सारी चीज़ें आपने एक्सटेंशन में देखनी है। बैटरी के अंदर आपको गूगल पिक्सल का जो बैटरी मैनेजर का ऑप्शन है वो उसमें मिल जाता है। डिस्प्ले में जाएंगे तो डिस्प्ले में कुछ और आपको कस्टमाइजेशन के फीचर्स मिल जाते हैं, जो कि मैं आपको फिर से बताऊं। आपको इसके अंदर नाइट लाइट मोड, एडिप्टिव ब्राइटनेस, एक्सपेंडेड डेस्कटॉप, रोटेशन स्क्रीन सेवर, एम्बिएंट डिस्प्ले और डबल टैप टू वेकअप का जो फीचर है वो आपको देखने को इसके अंदर मिल जाता है, जो कि ठीक तरीके से काम कर रहा है। आप UI styles को चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हमने इसमें डार्क मोड यानी ब्लैक UI को यूज़ कर रहे हैं, वैसे ही आपको लाइट UI, डार्क UI, एक्सटेंडेड UI एंड चॉकलेट UI भी देखने को मिल जाती है। आप एसेंट कलर को चेंज करते हैं, हम रेड यूज़ कर रहे हैं, आपको कोई और चाहिए आप ग्रीन वगैरह जिस पर भी टैप करेंगे कुछ ही देर में जो एसेंट कलर्स है वो चेंज हो जाएंगे पूरा का पूरा, जबकि क्यूब टॉगल्स के जो आइकन्स होते हैं वो भी थोड़े से आपको चेंज देखने को मिल जाएंगे। देख पा रहे होंगे आप हमारे जो कलर्स हैं वो चेंज हो गए हैं, उसी तरीके से क्यूब टॉगल्स के भी कलर्स आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। आपको काफ़ी सारे फॉन्ट के ऑप्शन मिल जाते हैं जिसको आप यहाँ से इजीली मैनेज कर सकते हैं। कीवर्ड का स्टाइल वेयर है वो भी आप चेंज कर सकते हैं, अगर डिफॉल्ट स्टाइल को नहीं पसंद है तो आप कोई भी स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, अब आपके जो क्यूब टॉगल्स के नोटिफिकेशन में जो पैन टॉगल्स होते हैं उनके जो आइकन्स हैं वो देखिए चेंज हो जाएंगे। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं, फॉन्ट साइज को कम ज़्यादा, डिस्प्ले साइज को कम ज़्यादा यहाँ डिस्प्ले में आप जाके कर सकते हैं। साउंड में चलते हैं तो साउंड में सारे के सारे ऑप्शन जो है ठीक तरीके से काम कर रहे हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है, बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रहे हैं। आपको दोनों सिम्स के लिए अलग अलग रिंगटोन्स आप इसमें सेटअप कर सकते हैं, जो मैंने करके देखी है जो कि बिल्कुल ठीक तरीके से काम कर रही है। आपको शामिल डोज का भी ऑप्शन मिल जाता है। सिक्योरिटी एंड लोकेशन में आपको इसमें पैटर्न लॉक, फिंगरप्रिंट और स्मार्ट लॉक में के अंदर आपको ट्रस्टेड फेस के अंदर आपको फेस अनलॉक का ऑप्शन भी मिल जाता है, आप ट्रस्टेड फेस में जाके फेस अनलॉक को यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक बार फिंगरप्रिंट दिखा देता हूँ चेक करके, ये देखिए फिंगरप्रिंट से फोन को अनलॉक करता हूँ, ये देखिए हमारा फोन जो है अनलॉक हो गया। तो फिंगरप्रिंट वगैरह में किसी भी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। डिजिटल वेलबींग का भी फीचर आपको उसके अंदर देखने को मिल जाता है, जो पूरी आपकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में आपको बताता है। तो मोस्टली मैंने आपको इसके सारे सेटिंग्स दिखा दिए। तो अब बात करते हैं कैमरा कौन सा मिलता है। कैमरा आपको उसके अंदर Gcam का वर्जन 8 मिलता है, जो कि पुराना कैमरा था Gcam का, बट आप इसके अंदर अपने मन मुताबिक आपका जो लेटेस्ट फेवरेट गूगल कैम है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं। कैमरे में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। पिक्चर्स वगैरह क्लिक करने में आपको इसके अंदर पोर्ट्रेट मोड, लेंस ब्लर और स्लो मोशन का मोड मिल जाता है, ये इसका डिफॉल्ट कैमरा है। अगर आपको फिर कोई और गूगल कैमरा चाहिए तो आप उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि मैनुअल कैमरा API जो होता है वो इसके अंदर ऑलरेडी इनेबल है, जो कि मैं आपको टेस्ट करवा देता हूँ। ये देखिए कैमरा टू API के सारे फीचर्स जो है इनेबल, तो दैट मीन्स कि आप इसके अंदर कोई भी अपना गूगल कैमरा जो है इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि बेंचमार्क स्कोर क्या मिलता है इसे। बेंचमार्क स्कोर आपको दिखा देता हूँ, बेंचमार्क स्कोर मिलता है इसको 114399। अब काफ़ी लोग पूछते हैं पबजी आप कौन से मोड पे खेल सकते हैं, तो पबजी आप इसमें बैलेंस मोड पे ही खेल पा रहे हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार पबजी लॉन्च करके, तो मैं पबजी को लॉन्च कर देता हूँ। तो ये देखिए स्क्रीन के ऊपर आपके पबजी की ग्राफिक पेज है, आप जो ग्राफिक्स को सिर्फ बैलेंस मोड पे रख सकते हैं। HD मोड पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपको लिखा आता है नोटिस दिस ऑप्शन विल बी अवेलेबल ऑन योर डिवाइस सून, यानी कि आप सिर्फ बैलेंस मोड और फ्रेम रेट को मीडियम पे रख के खेल सकते हैं।
तो मोस्टली अब सारे फीचर्स मैंने आपको चेक करा दिए हैं। कैमरा टू एपीआई इसके अंदर इनेबल्ड है। पबजी आप बैलेंस मोड पे खेल सकते हैं। कैमरा आपको गूगल कैमरे का मिलता है। कस्टमाइज फुल्ली आप कर सकते हैं। इस रोम को बेंचमार्क स्कोर भी अब देख चुके हैं। नाउ द लास्ट एंड इंपॉर्टेंट स्टेप कि कैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर। आपके रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर कोई भी कस्टम रिकवरी चाहिए, मैं पिच ब्लैक रिकवरी को रिकमेंड करता हूँ, तो आप उसको इंस्टॉल कर लें। उसके लिए बूट लोडर अनलॉक होना चाहिए। और दो फाइलें चाहिए, दो फाइलें मैं आपको दिखा देता हूँ। कौन सी फाइलें आपको चाहिए जो आपकी हेल्प करेंगी इस रोम को आपके फ़ोन के अंदर फ्लैश करने के लिए। एक आपको चाहिए AOSP एक्सटेंडेड की रोम की जिप फाइल जो कि अराउंड 840 MB के आसपास है, एंड दूसरी GApps की जिप फाइल जो कि माइक्रो ARM64 एंड्रॉइड 9.0 को रिकमेंड करता हूँ, वो आपको 200 MB के आसपास मिलेगी। इन फाइलों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा जहाँ से आप नई फाइलें डाउनलोड कर लेंगे। उसके बाद आप अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देंगे, आपका सारा डाटा डिलीट होने वाला है, तो प्लीज़ बैकअप ज़रूर ले लीजिएगा। फ़ोन को स्विच ऑफ करने के बाद आप फ़ोन को कस्टम रिकवरी में बूट करेंगे। उसके लिए वॉल्यूम अप और पावर के बटन को होल्ड रखेंगे एंड कुछ ही देर में आपका फ़ोन वाइब्रेट करेगा एंड रिकवरी मोड पर आ जाएगा। तो ये देखिए हमारा फोन रिकवरी मोड पे आ चुका है। हम वाइप पे जाएंगे, एडवांस वाइप पे जाके डाल्विक कैश, सिस्टम कैश, डाटा, वेंडर, इन सबको वाइप कर देंगे। इंटरनल स्टोरेज को हमने वाइप नहीं करना है। जैसे पार्टीशन वाइप हो जाते हैं, इंस्टॉल पे जाके आप AOSP एक्सटेंडेड की रोम को फाइल को सिलेक्ट करेंगे। अभी कुछ ही दूर में इस रोम को फ्लैश कर देगा और ये थोड़ा सा टाइम लेगा। तो जैसे ही रोम की फाइल फ्लैश हो जाएगी, आप इंस्टॉल पे जाके GApps की फाइल को सिलेक्ट करेंगे जो गूगल एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करने में आपकी हेल्प करेगा। तो ये भी थोड़ा सा टाइम लेगी। तो ये देखिए GApps की फाइल भी हमारी सक्सेसफुली फ्लैश हो गई है। हम वाइप कैश सॉल्विक करेंगे एक बार, स्वाइप टू वाइप एंड रिबूट सिस्टम। दैट्स अब रोम एंड GApps की फाइल को हमने सक्सेसफुली अपने रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर इंस्टॉल कर लिया एंड कुछ ही देर में आपके सामने AOSP एक्सटेंडेड जिसे आप AEX रोम भी बोलते हैं उसकी बूट स्क्रीन आएगी। दैट मीन्स आपने फाइलें फ्लैश कर ली हैं और आप थोड़ी देर में सेटअप पे जाएगा। आप सारी चीज़ों को सेटअप करेंगे और AEX एंड्रॉइड बाई 9.0 रोम के सारे फीचर्स अपने रेडमी नोट 6 प्रो के अंदर ईजिली यूज़ कर पाएंगे। तो ये देखिए बूट स्क्रीन आ गई है, यानी रोम हमारा फ्लैश हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ सारे स्टेप्स और सारे फीचर्स आपको समझ में आ गए होंगे इस रोम के बारे में। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते रह सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।